मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में फेरिंग्स भी बता दिए थे। फेरिंग्स अब आपको समझ में आ चुके होंगे। फेरिंग्स जो होते हैं दिस वन दैट इज योर फेरिंग्स बेटा, ये आपका फेरिंग्स होता है, कॉमन जो पार्ट होता था बेटा। एंड यही कॉमन पार्ट जो होता था फेरिंग्स, जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको इस डायग्राम में भी, ये जो कॉमन पार्ट होता था, कॉमन डक्ट जो होती थी बेटा, ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता था ईसोफेगस, एक होता है दैट इज विंड पाइप। विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया एंड ईसोफेगस दैट इज कंसिडर्ड एज अ फूड पाइप। तो आप जब भी खाना खाते हो तो आपका जो भी खाना होता है वो सिर्फ फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता, क्योंकि आपके विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्पिंकिटर्स। इनको हम स्पिंकिटर्स बोलते हैं, ये कवरिंग है। तो जब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो तो स्पिंकिटर्स आपके विंड पाइप को कवर कर देते हैं ऊपर से। सो सारा खाना आपके कहाँ जाता है, पानी आपके कहाँ जाता है, दैट इज आपके स्टमक में जाता था विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। ओके नाउ लिसन, आप सभी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप खाना खाते हो और खाना खाते हुए आपको अचानक से खांसी आ जाती है, ठसका लगता है, राइट? आप अचानक से कफिंग स्टार्ट कर देते हो, होता है कभी कभी खाना खाते हुए आपके साथ ऐसा? यस सर, सरक जाता है खाना, है ना, खाना हमारा, राइट मेरे बच्चों? देवशीष, देवश्मिता, निखिल बेटा, सूर्यदेव, सिद्धार्थ, संभवी, ओके संभवी यू सेड, ओके ओके, बंद्रा बेटा, राइट? हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए अचानक से हमें खांसी आ जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि खाना हमारा गलती से हमारे विंड पाइप में चले जाता है, या पानी कभी गलती से हमारे विंड पाइप में चले जाता है तो हमें एकदम से खांसी आ जाती है। ये इसलिए और होता है, आपने कहा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं बहुत बार तो घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं या कोई हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो होते हैं, कभी कभी वो हमें टोकते हैं, कहते हैं खाना खाते हुए बात मत करो, चुपचाप खाना खाओ, कहते हैं कि नहीं कहते वाली बात हम सभी से? यस सर, ज्यादा बात करते हैं, दैट इज अ रीजन। उनको रीजन नहीं पता, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, राइट, पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड, उनको रीजन नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि खाना चुपचाप होकर खाना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। उनको ये नहीं मालूम खाना चुपचाप क्यों खाना चाहिए, रीजन हो सकता है उनको नहीं पता हो, लेकिन हाँ ये बात वो सही कहते हैं कि खाना हमें चुपचाप होकर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ जैसे अभी आप लोगों से, तो मेरा जो ये स्पिंकिटर है ये मेरे विंड पाइप से अलग हो गया, हट गया है, यानी जो एक कवरिंग है ये अभी कवर नहीं है मेरा विंड पाइप। सो एयर मेरे विंड पाइप में जा रही है एंड ये एयर मेरे वॉइस बॉक्स में जाती है अल्टीमेटली, और बिकॉज ऑफ दिस एयर मेरे वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन क्रिएट होती है और अल्टीमेटली साउंड बन रही है। सो हम जब बोलते हैं ना बेटा, तो स्पिंकिटर हमारे विंड पाइप को कवर नहीं करता। सो इसीलिए खाना खाते हुए अगर आप बोलते हो तो क्या होता है, स्पिंकिटर आपके विंड पाइप से हट जाता है एंड खाना जो होता है वो गलती से आपके विंड पाइप में चला जाता है और आपको खांसी आती है। इज इट क्लियर नाउ सभी को कि ऐसा क्यों होता है, फिर से बताओ अदरवाइज? सुप्रदीप, संभवी, देवाशीष, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, किसी को मुझे वापस तो नहीं बताना, प्लीज टेल मी, किसी को अगर वापस समझना हो तो आई विल एक्सप्लेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारे स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाउ वी नो, वेरी वेल, हमने लोकेशन देख ली, समझ ली। आओ आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले राइट डाउन बेटा, स्ट्रक्चर कैसी होती है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ योर मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। राइट डाउन, इसमें लिखो बेटा, these muscle fibers are arranged in bundles that is called fasciculi, that is called fasciculi। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, fasciculi बोलते हैं। देखो सब ये आपकी muscle fibers, that is ये muscle fiber है। ठीक है, अब ये मसल फाइबर्स ने क्या किया, एक बंडल की फॉर्मेशन कर ली, लाइक दिस, एक बंडल की फॉर्म में ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हो गए। ऐसी ये फैसिकुलाएं हैं, आई मीन दैट इज मसल फाइबर्स।
ये भी अगर क्या हुए ऐसे बंडल की फॉर्म में साथ में प्रेजेंट है, तो अब मैं इनको क्या बोलूंगा बेटा, नाउ दैट इज कंसिडर एज अ फैसिकुला, इज इट क्लियर नाउ? अगर सिंगल होंगे तो दैट इज क्या हो गए आपके मसल फाइबर्स, लेकिन यही मसल फाइबर स्ट्रीटेड मसल फाइबर्स क्या होते थे, आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, प्लीज टेल मी नाउ, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज फैसिकुला? चलो अब आ जाओ नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ईच मसल फाइबर is long, cylindrical, and unbranched. And unbranched. कैसे हैं आपकी? Long है, cylindrical है और unbranched. That is. Write down next point. These muscle fibers are covered by a special covering called sarcolemma, that is called sarcolemma. While set plasm has more mitochondria. Okay. That is, यानी आपकी ये मसल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, आउटर लेयर जो होती है, that is called sarcolemma. Excuse me, sir. Yes, beta, please. Sir, there you have written, sir, while cytoplasm has more or what? While cytoplasm has more mitochondria. Okay, sir. Okay, beta Rajesh. Sure. मैं एक बार ये पॉइंट्स लिख के ना इनका एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको, सो यू कैन इजीली रिलेट ऑल दिस थिंग्स। देन इसके बाद राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। ईच मसल फाइबर, बेटा मसल फाइबर का हमने एक नाम दिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ मसल फाइबर्स व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक। ओके, दैट टाइम मैंने आपको मसल्स फाइबर का एक नाम बताया, व्हाट इज द नेम, एनीवन प्लीज बच्चे कोई बता सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मसल फाइबर्स? दैट इज मायोफाइब्रिल। ईच मसल फाइबर दैट इज मायोफाइब्रिल हैज डार्क and light, as dark and light bands, that is called, sir, can you show its previous point? Yeah beta, just give me one minute, this one, as dark and light bands, that is called strated and stripped muscle fibers. That is. After that, each dark band
राइट डाउन दिस पॉइंट, इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. ईच डार्क पेयर इन ब्रैकेट ऑल्सो कॉल्ड ए बैंड हैज अ सेंट्रल लाइट जोन. सेंट्रल लाइट जोन कॉल्ड Jensen's light. Striated मतलब क्या होता है? बेटा, I will tell you. आपका striated का मतलब होता है that is dark one. और striped का मतलब होता है that is light. मैं अभी आपको ये सारी चीजें डायग्राम में समझाऊंगा. Just give me a moment. मैं एक बार ही लिख दूँ सारी बात. Each dark band has a central light zone called Hansen's line. That is called Hansen's line. और एक्स जोन. ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी डायग्राम. देन ईच लाइट बैंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड I bet has a dark zone as its center. As its center, that is called satellite. ठीक है ओके. नाउ एक बार डायग्राम देख लीजिए. ओके बेटा, सी दैट डायग्राम. अब जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना बेटा, ये सारे पॉइंट्स हम इस डायग्राम में देखेंगे. देन यू कैन इजीली रिलेट ऑल दिस थिंग. फिर आपको ये चीजें अजीब सी नहीं लगी, फिर आपको नहीं लगा ये क्या आ गया. ओके बेटा, ये डायग्राम क्लियर है सभी को? ओके बेटा, बाकी सभी बच्चों को प्लीज क्लियर है ये डायग्राम? यस सर. ठीक है बेटा, चलो तो देखो बेटा, नाउ ध्यान से समझना इन सारी बातों.
यहाँ सबसे पहले क्या प्रेजेंट है आपका सार्कोलिमा प्रेजेंट है, मैंने बताया था दैट इज अ आउटर लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, राइट। तो आप देख रहे सबसे आउटर लेयर जो होती है दिस इज कॉल्ड योर सार्कोलिमा। इज इट क्लियर बेटा, सार्कोलिमा समझ में आ गया। ये आपके जो अंदर देख रहे हो ये अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, आप सारे के सारे अगर इन चीज को देखोगे तो मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड फैसिकुलाई। ये क्या है बच्चे, आपकी फैसिकुलाई है, ये हो गया, ये हो गया, ये बंडल्स में तो प्रेजेंट है, और इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैसिकुलाई। तो बेटा अब आपको सार्कोलिमा सबसे पहले और फैसिकुलाई ये दोनों चीज समझ में आ गई। फैसिकुलीज क्या है, ये आपके मसल्स फाइबर्स हैं, जो आपके स्ट्रीटेड मसल्स होती हैं ये हमेशा बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैसिकुली। इज इट क्लियर राजेश, सुप्रदीप, देवश्मिता, वंदना बेटा? यस सर। राइट, चलो अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज इनका अपना खुद का साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था ना इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज दे हैव अ साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म को बेटा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड देयर सैक्रोप्लाज्म, दैट इज अ नेम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था ना कि इसमें जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सो दैट इज इनके इस साइटोप्लाज्म को हम यहाँ क्या कहते हैं, सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, एनी डाउट? यस। नो, चलो। नो सर। ओके बेटा, और ये देखो आपको यहाँ पे ये मायोफाइब्रिल्स दिखा रखे ना, तो ये मायोफाइब्रिल्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज फैसिकुलाई बोलते हैं, क्योंकि बंडल्स में प्रेजेंट है इसलिए हमने इनको फैसिकुलाई बोल दिया, दैट इज कॉल्ड फैसिकुलाई। ठीक है, और यहाँ लिखा है स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन बेटा इसका मतलब है दैट इज ये स्ट्रिप्स है, यहाँ पे आपको अलग अलग क्या दिखाई देंगे, देखो अलग अलग आपको यहाँ पे बैंड्स नजर आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको देखो यहाँ पे रेड कलर के, ब्लू कलर के सीधे सीधे बैंड नजर आ रहे हैं, लाइक जैसे देखो ये वाला, एक सेकेंड, दिस इज ये, देखो ये हो गया, रेड कलर के बैंड नजर आ रहे हैं ऐसे आप, That is. और बीच बीच में क्या है, इनके ब्लू कलर के बैंड प्रेजेंट है लाइक दिस, बीच में ब्लू कलर के बैंड प्रेजेंट है ये, राइट। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कम्स इन टू द स्ट्रिशन, ये आपके स्ट्रिशंस हो गए, स्ट्रिशंस का मतलब दैट इज अ लाइनिंग जो आपके इन फेस्टिकुलाई के अंदर प्रेजेंट होते थे। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, एनी डाउट, फिर से समझाऊं अदरवाइज इस बात को, बताओ बेटा? यस सर। स्ट्रिएशंस का मतलब होता है दैट इज अ लाइनिंग, दैट इज लाइनिंग प्रेजेंट इन फैसिकुलाई, आपकी फैसिकुलाई आपके बंडल्स के अंदर जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, जैसे आपकी रेड कलर ब्लू कलर की हो गई, फिर रेड कलर की लाइनिंग थी अभी आप इसमें देख रहे थे, फिर अगेन ब्लू कलर की लाइनिंग आ गई थी लाइक दिस, तो ये क्या होती है बेटा आपकी, दैट इज कम्स इनटू अ स्ट्रिएशन। इज इट क्लियर नाउ राजेश बेटा, निखिल? यस सर। प्रदीप, देवाशीष बेटा, आर यू देयर? आप सभी को अगली बार समझ आ रही? संभवी बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? सिद्धार्थ? यस सर, इट्स क्लियर। यस सर, क्लियर बेटा। चलो ग्रेट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, समझेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड बताया था, मैंने यहाँ पे नाम लिखवाया था आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड, तो आप उनको भी समझ लो ये डार्क और लाइट बैंड क्या है। आप इसकी आउटर स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ नजर आएगा, डार्क बैंड भी नजर आ रहे हैं और लाइट बैंड भी नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं हम सभी? दिस इज योर कैसे है डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड, राइट, एंड ये जो है दैट इज लाइट। इज इट क्लियर बेटा, डार्क और लाइट बैंड कैसे होते हैं? ठीक है, डार्क बैंड पे बेटा आप देखो एक स्ट्रिप, यानी कि बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी धारियां हैं, एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, एक लाइन जा रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, दैट इज आपका डार्क बैंड जो था दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीटेड मसल्स, ये आपकी स्ट्रीटेड हो गई, इसको हमने क्या कहा स्ट्रीटेड, और यहाँ कोई लाइनिंग नहीं है तो बेटा नाइलिंग नहीं है तो ये कैसे हो गई, डेटा यूनिफॉर्म हो गई, एक सी एबल, सो दैट इज ये क्या हो गई आपकी स्ट्रिप मसल्स, दैट इज स्ट्रिप मसल्स। ठीक है, स्ट्रीटेड का मतलब यूनिफॉर्म नहीं होंगी, इस तरह से अलग 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 बैंड से नजर आएंगे, तो दैट इज स्ट्रीटेड।
और लाइट का मतलब बिल्कुल स्ट्रिप का मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म, कहीं पर कोई बैंड नहीं है, जैसा ऊपर है वैसी बीच में है वैसी लास्ट में। इज इट क्लियर नाउ बेटा, स्ट्रीटेड और स्ट्रिप कैसे होते हैं? यस सर। संभवी बेटा, राजेश, निखिल, बच्चे आप सभी को क्लियर ही वाली बात? हमारे दो डार्क बैंड के बीच में एक लाइट बैंड प्रेजेंट है कि नहीं? जैसे एक सपोज करो, एक ये रहा मेरा डार्क बैंड, एक ये रहा मेरा डार्क बैंड, तो इन दोनों के बीच में ये लाइट बैंड है कि नहीं? दिस वन, तो दो डार्क बैंड के बीच में जब आपका लाइट बैंड आता है तो इस चीज को हम, इस कंपोजिशन को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड हैंसन्स लाइन। इनको हम बोलते हैं हैंसन्स लाइन। ठीक है आपका लाइट बैंड लेकिन दो डार्क बैंड के बीच में प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ हैंसन्स लाइन या दैट इज कंसीडर्ड एज अ एच जोन। इज इट क्लियर नाउ? हैंसन्स लाइन क्या होती है बेटा? दो डार्क बैंड के बीच का पार्ट जो लाइट बैंड आ रहा है। सेम आपका ऐसा ही आप इसमें ले लो, दैट इज अपने लाइट बैंड पे ले लो। दो लाइट बैंड है, एक ये एक ये, इन दोनों के बीच में जो ये डार्क बैंड आ रहा है बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड योर जेड लाइन। इसको मैं जेड लाइन। अब क्लियर बेटा? नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज जेड लाइन, व्हाट इज एस जोन यानी हैंसन्स लाइन? अब ये बात है सारी डायग्राम। ओके बेटा, बाकी बच्चों को प्लीज टेल मी नाउ इज इट क्लियर? जितना भी पॉइंट हमने लिखे अभी सारे डायग्राम में समझ में आ गए हमें? चलो अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट। अब इसमें एक नाउ एक पॉइंट और लिखो, हेडिंग इसी में ही है, दैट इज सार्कोमियर। राइट नाउ सार्कोमियर में लिखो, दैट इज द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू adjoining Z lines is known as sarcomere, that is considered as a sarcomere। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? सार्कोमियर। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या होता है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अपना स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, ये हम बना, मैंने यहाँ पे बैंड दिखाए, ये आपको जैसे एक बैंड ये रहा, ठीक है, और एक बैंड ये रहा, ये दो बैंड दिखा दिए मेरे साथ, ठीक है बेटा। ये क्या है आपके? डार्क बैंड, दैट इज अ डार्क बैंड। ये मैंने दो डार्क बैंड दिखा दिया, इनके बीच में जरा लाइनिंग कर दूं तो आप देख सको, समझ सको, ये आपके सर, ये आप बोलो बेटा। सर ये स्ट्रेटेड मसल्स है ना? हाँ बेटा, ये स्ट्रेटेड मसल्स ही दिखा रहा हूँ। स्ट्रेटेड मसल्स में आपको डार्क बैंड बता रहा हूँ कैसे होता है। ये आपके मैंने दो डार्क बैंड दिखा दिए लाइक, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये दो डार्क बैंड, और इनके साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा आपके? दैट इज लाइट बैंड। और ये फिर आगे कॉर्नर पे अगेन मैंने क्या लिखा थी सर? हम लोग भी ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। नहीं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास, तो यू कैन डू दैट, वहां से भी आप देख सकते हो वापस, ठीक है? यस, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप डायग्राम वायग्राम ड्रॉ मत करो, इट विल टेक टाइम। मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बता रहा हूँ, आप बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब मैं ऐसे डायग्राम डालता हूँ ना,
आप स्क्रीनशॉट ले लो बस उनके। एक ये मैंने दिखा दिया बेटा आपको, दिस इज, ठीक है, ये भी क्या है आपका, दिस वन इज ऑल्सो योर डार्क बैंड। तो आपने यहाँ देखा दो डार्क बैंड लगातार है और बीच में आपके फिर लगातार क्या आ गया, दैट इज लाइट बैंड आ गया। ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, ये आपके लाइट बैंड, डार्क कलर नहीं कर रखा मैंने, ये आपको ब्लैक कलर है लेकिन ये समझ के चलो ये आपका क्या है, लाइट, और ये आपके डार्क, ठीक है, डार्क बैंड है। तो दैट इज क्या बोलते हैं हम इनको, दिस इज कॉल्ड योर एच जोन। एच जोन का मतलब क्या होता है आपका, दैट इज डार्क, और ये बीच वाला जो पोर्शन था बेटा ये क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कंसिडर एज अ आई बैंड। आई बैंड का मतलब क्या था, दैट इज लाइट, ये डार्क है एंड दिस इज लाइट, ये लाइट। ठीक है बेटा, तो बेटा अब ध्यान से समझना मेरा, दैट इज मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि दो डार्क आपके लाइट बैंड के बीच में क्या आता था आपका, जैसे आपके दो डार्क बैंड है तो दो डार्क बैंड के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है या लाइट बैंड नजर आ रहा है, राइट, आपको मैंने चीज बताई थी। ऐसे ही आपके यहाँ पे ये दो डार्क क्या है, लाइट जोन है, एक लाइट जोन, एक ये लाइट जोन, एक ये लाइट जोन मान के चलो, एक ये लाइट जोन मान के चलो, तो इन दोनों के बीच में ये क्या आ गया बेटा आपका, दैट इज डार्क बैंड। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को, दो लाइट बैंड के बीच में भी आपका डार्क बैंड है और दो डार्क बैंड के बीच में आपका एक लाइट बैंड है, जैसे कि हम डायग्राम में देख के चल रहे थे, ऊपर वाले डायग्राम ये देख रहे हो, दैट इज आपके दो डार्क बैंड थे इनके बीच का एक लाइट बैंड, या दो लाइट बैंड इनके बीच का एक डार्क बैंड। ठीक है बच्चों, दैट इज। अब जब आपके दो जेड लाइन, इस डायग्राम को देखो, एक आपकी जेड लाइन ये है, दैट इज, एक आपकी Z लाइन ये है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ Z लाइन, ये भी आपकी Z लाइन मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे आपका एक और क्या प्रेजेंट है, दैट इज लाइट बैंड प्रेजेंट है। तो दो लाइट बैंड के बीच की जो Z लाइन होती थी बेटी, इन दोनों के बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट होता है ना बेटा, ओवरऑल दिस इज कंसिडर एज अ सार्कोमियर, इसको हम सार्कोमियर, थोड़ा ध्यान से समझना, आई नो अभी शायद नहीं समझ में आई होगा, इस डायग्राम में समझ नीचे वाले, देखो ये आपका एक आई बैंड है, ठीक है बेटा, ये एक आई बैंड है, ये एक आई बैंड है, This is. अब बेटा दो आई बैंड के बीच का जो ये पार्ट होता है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सार्कोमियर, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। अब कुछ बात समझ में आई बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का मतलब दैट इज योर मसल फाइबर्स, तो आपके मसल फाइबर्स में क्या थे, दैट इज बिटवीन टू एडजॉइनिंग जेड लाइन, यानी जहां पर दो आपकी क्या हो, जेड लाइन जुड़ रही हो। तो बेटा आपकी सीधी सी बात है, जेड लाइन क्या थी बेटा, दैट इज जो आपका लाइट बैंड का सेंटर का पार्ट होता था, दैट इज योर जेड लाइन, दैट इज डार्क जोन। डार्क जोन को ही तो हम लोग जेड लाइन बोलते हैं, दिस इज जेड लाइन, देखो तो ऊपर ऊपर वाले डायग्राम में हमने जेड लाइन यहाँ किसको बोला बेटा, हमने यहाँ जेड लाइन इस डार्क जोन को ही तो बोला है, राइट, मेरी बात राजेश, सुप्रदीप, संभवी, सभी बच्चों इस बात को बताओ, ये बात समझ में आ रही है, आपकी Z लाइन क्या है, इट इज योर डार्क जोन, ये आपका डार्क जोन है, राइट, इसी को हमने Z लाइन कहा था। दो जो आपके कहां प्रेजेंट है, दो लाइट बैंड के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन, दैट इज योर डार्क जोन। तो बेटा अब आप एक बात को समझो ध्यान से, जब आपके क्या बताया मैंने, द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू एडजॉइनिंग जेड लाइन, यानी कि दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होगा, आपका डार्क जोन कौन सा है बेटा, दैट इज ये आपके डार्क जोन है, दिस वन इज योर डार्क जोन, दैट इज योर जेड लाइन। ठीक, तो इन दो जहां पर ये दो पार्ट जुड़ रहे होंगे, जैसे ये जुड़ रहा है ना, सब कुछ, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट इसको भी देख लो, दैट इज
दैट इज ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, दैट इज, तो दैट इज जहां पे आपकी जेड लाइन है, जेड लाइन आपकी ये है, दिस इज योर जेड लाइन, ठीक है, तो जहां पर आपकी जो जेड लाइन है बेटा, उनके साइड के जो ये बीच वाले जो पार्ट होंगे, ये लाइट बैंड की ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, लाइट बैंड का पूरा नहीं हाफ पार्ट, ठीक है, दैट इज, तो इस पूरे पार्ट को, दैट इस पूरे कंप्लीट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सार्कोमियर। अब बात समझ में आई मेरी इस डायग्राम से, फिर से समझाओ इस बात को, बताओ बेटा फिर से बताओ इस बात को। यस सर। ओके, कोई इशू नहीं, मैं पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली पार्ट है, कंफ्यूजन इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, चलो इसको एक सीधी सी लैंग्वेज में समझते हैं। सार्कोमियर क्या होता है बेटा, दैट इज अ पार्ट, सारी कहानी छोड़ो इन सबको छोड़ो, अब एक इजी सी लैंग्वेज, ये बहुत बहुत टिपिकल लैंग्वेज हो रही है आप लोग, ठीक है, इसको बहुत इजी से वे में समझते हैं। दैट इज अ पार्ट विच इज प्रेजेंट between two Z line, that is called sarcomere. अब ये बात समझ में आ रही है बेटा, what is sarcomere? Now are you getting my point? What is sarcomere? क्या होता है? Yes sir. ये दो Z line बीच का जो part है, that is your sarcomere. Book में ये language बहुत typical तरीके से दे रखी है, बहुत अलग तरीके से घुमा रखी है। और इस पूरी लाइन का मैंने आपको सिंपल सा मतलब बता दिया कि सार्कोमियर का मतलब है दैट इज दो जेड लाइन के बीच का पार्ट, और जेड लाइन आपकी क्या थी मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज दो लाइट बैंड के बीच में जो आपका डार्क बैंड आता है, दिस इज कम्स इनटू द जेड लाइन, उसको हम बोल देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आई नो, ये थोड़ा सा वो टंग ट्विस्टर वाला जो काम होता है ना,